आगरा की प्रचंड गर्मी ने हुनर हाट को किया फीका। ताज नगरी आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 41वां हुनर हाट का आयोजन शिल्पग्राम आगरा में 18 से 29 मई तक आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के 32 राज्यों के 800 से अधिक कामगार कारीगर शिल्पकार भाग ले रहे हैं। बेशक इस हुनर हाट से जहां रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं शिल्पकारों को उनका सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन आगरा की प्रचंड गर्मी ने शिल्पियों और कामगारों की उम्मीदों को फीका कर दिया है। आगरा की 45 डिग्री वाली गर्मी जो शरीर को झुलसा कर रख देती है, आसमान से आग उगलती इस गर्मी ने हुनर हाट में पहुंचे शिल्पकारों और हुनरमंदों को निराश किया है। हुनर हाट में पहुंचे शिल्पियों ने कहा है कि अगर यह आयोजन सर्दियों में होता तो इसकी रंगत ही कुछ अलग होती। देश भर में हुनर हाट कामगारों को रोजगार देने के साथ साथ हौसला और सम्मान देने का काम भी कर रहा है। हुनर हाट के माध्यम से अभी तक 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हुनर हाट एक लघु भारत है जहाँ पर हर प्रांत का कामगार मौजूद है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन ताज नगरी आगरा में हुनर हाट में पहुंचने वाले कामगार और शिल्पियों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनके उत्पादों की बिक्री यहाँ पर उतनी नहीं हो रही है जिस उम्मीद के साथ यहाँ लोग आए थे। हुनर हाट में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 और 5 बजे तक सन्नाटा पसरा रहता है। इस समय एक हाथ ही पर्यटक और खरीदार यहाँ पर पहुँचता है, अन्यथा पूरे दिन दुकानदार और शिल्पकार खाली बैठे रहते हैं। उन्होंने भारी मन से बताया है कि हमें जानकारी नहीं थी कि आगरा में इतनी गर्मी पड़ती है और गर्मी में कोई भी पर्यटक या खरीदार बाजार नहीं आएगा। भविष्य में अगर भारत सरकार आगरा में हुनर हाट का आयोजन करती है तो हमारी अपील है कि वह इस लघु भारत के मेले का आयोजन सर्दियों में करे। नाम क्या आपका, कहाँ से है? मेरा नाम पलक अग्रवाल है, मैं महाराष्ट्र में गुजरात से हूँ और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 46-47 टेम्परेचर डिग्री है इधर और 4 बजे तक के को ही नहीं होता है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एक्चुअली में यहाँ पर, तो कोई नहीं है यहाँ पे जो शॉपिंग का खाना पीना है वो सब कुछ अभी दम है बहुत ज़्यादा। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हुनर हाट आगरा में करे या फिर और कोई भी ये करे तो प्लीज़ सर्दियों में करे, सर्दियों में बहुत मज़ा आएगा, लोगों को भी आनंद मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। कहाँ से है? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता सर, आगरा में ये हुनर हाट लगा हुआ है, आगरा में इतनी गर्मी पड़ रही है तो लोग आ रहे हैं क्या? लोग तो ज़्यादातर लोग जैसे हम लोग का 10 बजे से स्टार्टिंग है, 10 बजे से लेके मान लीजिए शाम के 4-5 बजे तक कस्टमर उतना नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 कस्टमर जो आ रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ये अगर गर्मी के बदले अगर सर्दी में होता तो बहुत बढ़िया रहता। हम लोग का सरकार के यही अपील रहेगा, जब भी करे ये हुनर हाट यहाँ सर्दियों में लगाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हम लोग का भी कुछ हो जाएगा, हम लोग खुशी खुशी यहाँ से जा सकेंगे। जी। क्या नाम है आपका? वसीम साहब। वसीम साहब, आगरा में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो आपका यहाँ पर लोग आ रहे हैं? जी, शाम के टाइम आते हैं, सुबह के टाइम नहीं आ पाते हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 45 तापमान हो रहा है, इस गर्मी के कारण कोई आ नहीं पा रहा है, तो हमारी सरकार से भी लेके सर्दी में लगवाए, सर्दी में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप मांग करते हैं कि अगर आगरा में कभी भी ऐसा होता है तो सर्दी में हो? जी, आगे से कभी भी ऐसा हो तो सर्दी में हो, क्योंकि मौसम की मार बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पब्लिक आ नहीं पा रही है, शाम का टाइम आती है पब्लिक, तो उतना अब लाभ नहीं मिल पा रहा है, उतना लाभ नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, फिर भी ठीक है। जय विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।